ये जो एक गली और ये नाला जो है ये वार्ड नंबर 10 और वार्ड नंबर 12 के बीच में पड़ता है। आप भी पहले कई दफ़ा आए हैं, कई दफ़ा इसकी वीडियोग्राफी हो चुकी है, आपने भी इसकी शक्ल देखी थी क्या थी और आज क्या दिखाई दे रही है। तो ये पूरे मोहल्ले वाले जो थे ये सभी की डिमांड थी ज़बरदस्त कि ये नाला बिल्कुल ओपन था। सारे मोहल्ले वाले जितना अपना कचरा गंद जो है वो सारा उठाकर यहाँ ऊपर से ही इस नाले में डाल देते थे। ये नाला 24 घंटे भरा रहता था, जब बारिश का पानी आता सारा इस गली के ऊपर जो है फ्लड करता था। तो ये मैंने ये ऊपर से भी जो नाला आ रहा है इसको भी पहले कवर करवाया था, अब इसको भी कवर करवा दिया है। और थोड़ी जो आगे ये कच्ची जगह थी, यहाँ पर बहुत ही गंदी जगह थी, वहाँ भी बहुत गंद फेंका जाता था, उसको भी पक्का किया इन्होंने। तो जो ठेकेदार साहब ने जो है हमारे कंट्रैक्टर अच्छा काम किया है। और सिर्फ मैं इनसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि मैंने इनको दो जाले बोले थे दोनों तरफ, जो कि जो हमारा जो लिफाफा वगैरह है जो दूसरा कचरा जो आए वो वहाँ रुके और जो हमारा सफाई कर्मचारी आके वहाँ से उसको निकाल ले, ताकि नाला जो है खाली रहे, इसमें सिर्फ बारिश का पानी जाए, ताकि ये कहीं कभी चांस ओवरफ्लो का ना बने। तो इसके लिए जो है हमारे ये अपने मधुसूदन जी हैं और इनकी फैमिली है, ये साथ में अरोड़ा जी की फैमिली है ऊपर, ये जितने भी लोग हैं यहाँ सारे आसपास, अमन जी इसके ऊपर बहुत संघर्ष करते थे, बोलते थे कि इसको बनाया जाए। तो मैं इन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आज जो है इनका जो सपना जो है वो पूरा हुआ है। कम से कम ये जो गंदगी थी यहाँ पर इतनी, उससे दूर हैं। ये ग्रांट इन एड के अंडर करवाया गया है, इसकी लागत जो है 2,44,000 रुपया आई है। और इसमें जो स्टेप्स थे ये नीचे, स्टेप्स भी सारे रिपेयर करवाए गए हैं, ताकि अब ये गली ये बहुत चलती है, साईं बाबा मंदिर देवका किसी ने जाना, सभी लोग इधर से गुजरते थे। तो अब ये मुझे लगता है कि उनको सभी को सहूलियत होगी। इसके लिए मैं एक बार दोबारा सभी मोहल्ले वालों को, सभी यहाँ के यहाँ आए हुए हमारे मेरे कौंसलर साथी, हमारे खालसा जी, इन सभी की तरफ से इनको जो मुबारकबाद देता हूँ कि ये जो इनकी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी वो पूरी हुई है। धन्यवाद।